आज का चैप्टर स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6। पहले हम एक बार इसका बॉडी पार्ट कवर कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई, इसके अंदर मेन क्या है स्टाफिंग की प्रोसेस। पहला एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, जिसके अंदर यहां पर इंपॉर्टेंट होगा क्या वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड बताता है कितने चाहिए, वर्कफोर्स बताता है कितने अवेलेबल है, और इसके बेसिस पे मालूम चलता है ओवर स्टाफिंग है या फिर अंडर स्टाफिंग। फिर आता है सेकंड पॉइंट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में ट्रांसफर और प्रमोशन, जबकि एक्सटर्नल पे 4 पर 1, 1 पर 1 और 3। चार सबसे पहला पुराने जमाने में रिकमेंडेशन चलती थी, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला, फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट में आता है क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होती है। व्हाट इज प्लेसमेंट एजेंसीज, जो कंपाइल करते हैं बायोडेटा ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, चार्ज फ्री फॉर देयर सर्विसेज, सॉरी फी फॉर देयर सर्विसेज एंड यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। तो मेन क्या है इसके अंदर, जब एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, एक्सटेंसिव करनी होती है और टॉप एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं, तो हम प्लेसमेंट एजेंसी से बात करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जैसे मालूम चल रहा है ये मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं और ये टॉप टू बॉटम हर तरह के एम्प्लॉयज ला के देते हैं, रिक्रूट करते हैं टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजरियल हर तरह के लोग, एंड स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड द टॉप लेवल डेटा बैंक ऑफ द सब कुछ अरेंज करके देते हैं। मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हैं, इसका मतलब पूरा डेटा लेकर आते हैं। ऐसे ही फिर समय बदला और कैंपस रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया। तो व्हाट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज और कंपनी दोनों मिलकर, और अगर इनमें से कोई चला गया, मैनेजर्स कोई चला गया, तो कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते थे, जो एप्लीकेशन आई हुई है लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई है, उनको दोबारा यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर लेबर कहाँ से लेकर आते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और अगर वो भाग गए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट पर लगा दो। फिर एडवर्टीजमेंट तीनों थे, पहला थ्रू न्यूज़पेपर, दूसरा टीवी के थ्रू और फिर तीसरा वेब पब्लिकेशन के थ्रू, तीनों ही एडवर्टीजमेंट के पार्ट थे। फिर आई सिलेक्शन की प्रोसेस। सिलेक्शन की प्रोसेस कहती है, हाँ भाई, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले क्या, पहले पॉइंट कितने हैं, ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें जो अनफिट लोग हैं उनको पहले ही हटा दो, अनफिट एप्लीकेशंस। फिर जो फिट हैं उन लोगों का सिलेक्शन टेस्ट, कितने टेस्ट होते हैं, ये 5 होते हैं। पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट, क्या बताता है ये हमें, डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हमें बताता है न्यू स्किल आदमी लेना चाहता है या नहीं। पर्सनैलिटी टेस्ट, ये बताता है आपके बिहेवियर के बारे में, ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में। ट्रेड टेस्ट, ये बताता है कि आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है, एग्जिस्टिंग स्किल आपकी क्या बोल रही है। और लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, जो बताता है इन्वॉल्वमेंट, कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो, जिसमें इंटरेस्टेड होगे उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ जी, जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर वो रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में उनका सब ओके होता है, तो ऐसे में उनका सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल चेकअप होगा और उनको जॉब ऑफर दिया जाएगा, जिसको कि वो यानी जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही अब जब वो आएगा तो उसको जगह दी जाएगी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में उसका। अगले दिन उससे बोला जाएगा अब तू ट्रेनिंग पर जा और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसको, नए आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, पुराने लोगों को डेवलपमेंट यानी कि आता तो है उनको और डेवलप करना है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आते ही हमारे पास इसमें कुछ और पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। कौन से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या बोला था, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और ITI जो लेबर प्रोड्यूस करती है, स्किल्ड लेबर। तो हमने कहा था सबसे पहला पॉइंट कि जब
इसको मैं दोबारा से बना दूं ना, हमने कुछ ऐसा किया था, ये रहा मैनेजमेंट, ये रहे वर्कर्स, मैनेजमेंट वर्कर्स, ये रहे यहाँ पर मैनेजरियल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और ये रहे हमारे टेक्निकल में क्या ITI, जो क्या वर्कर्स। तो हमने कहा था पहले पढ़ते हुए, जब बच्चे पढ़ रहे थे पढ़ते टाइम वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप, पढ़ते टाइम चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हो तब जा सकते हैं। हाँ भाई, पढ़ाई पूरी होने के बाद ये यहाँ पर गए क्या लेने, कोचिंग, और IIT वाले गए लेने के लिए क्या, अप्रेंटिसशिप। कितने हो गए, 3। ये सब लोग काम कर रहे थे, काम करते करते इन्हें और सीखना है, जॉब रोटेशन, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास कितने पॉइंट थे, 4। पहला क्या बोला हमने, एंट्रेंशिप ट्रेनिंग। दूसरा क्या, मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट के अंडर में जाते हैं और सीख कर आते हैं, अप्रेंटिसशिप, एक्सपर्ट लेबर के अंडर में जाते हैं, सीखते हैं, जॉब रोटेशन, सब लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर वो अपना रोटेट करते हैं जॉब। हाँ भाई, फिर ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमने 3 पॉइंट तो अलग कर दिए थे पहले ही, क्लासरूम में पढ़ना, फिल्म के थ्रू पढ़ना और केस स्टडीज। इसके बाद 3 पॉइंट थे जिसमें से 2 पॉइंट आपस में इंटरलिंक किए गए थे, कंप्यूटर मॉडलिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या कहता है, हाँ भाई, कंप्यूटर मॉडलिंग क्या कहता है कि कोई भी चीज़ इमिटेट करना है, मतलब सिस्टम बनाया गया जो बार बार वही सेम चीज़ रिपीट होगी, जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे यानी परफॉर्मेंस के लिए जाओगे तो आपके एरर नहीं होंगे। जबकि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक करता है और ईजी बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक करके ईजी बनाता है, जिससे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी, यानी पहले सिंपल सिंपल चीज़ें सीखोगे, उसके बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें इकट्ठे सीख पाओगे। और वेस्टिबल ट्रेनिंग, किसी भी मशीन पे ट्रेनिंग का पॉइंट आता है तो वो वेस्टिबल ट्रेनिंग ही होती है। हाँ जी, ऐसे ही फिर जब आप ट्रेनिंग करके पहुंचोगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या कहता है कि जो भी आप सीख कर आए उसके बाद आपको इवेल्युएट किया जा रहा है कि पहले आप क्या करते थे, अब क्या किया, या स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं। ऐसे ही प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जो कहता है कि जो भी इम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ग्रोथ पाथ क्या है ये क्लियर होना चाहिए, प्रमोशन के तरीके क्या होंगे ये सब पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए। लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन, उन्हें प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसके अलावा आते हैं कुछ यहाँ पर पॉइंट कवर करने के लिए, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस आती है। ओहे, ये गोलियाँ, ये तो गोलियाँ चल रही है इसकी। हाँ भाई, स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस, और एक HR डिपार्टमेंट का काम। HR डिपार्टमेंट पे हमने बात की थी कौन कौन से काम अलग थे, एक तो था लेबर रिलेशन, ग्रेवियंसेस को हैंडल करना, सोशल सिक्योरिटीज पर ध्यान देना, और कोई भी अगर केस कर दे तो लड़ना। और ये दोनों किसके, ये ऊपर के 4 पॉइंट किसके थे, स्टाफिंग के, क्या रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस करना। जॉब एनालिसिस पहले आना चाहिए, जॉब एनालिसिस पहला हो गया क्योंकि वो वहां पर अंडर और ओवर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारे लिख सकते हो, लेकिन मेन क्या लिखना है, ये पॉइंट हो सके तो पहले कवर करना है। हाँ भाई, तो वापस आते हैं, अब इस चैप्टर में क्या क्या निकला, इसके अंदर पहले तो निकली पूरी प्रोसेस, प्रोसेस के अलावा हमारे पास क्या आया, इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अभी एक तुम लोगों ने जो अभी जितने भी पेपर्स दिए थे पहले, उन पेपर्स में से एक पेपर में क्वेश्चन था कि चॉक्स कहीं रखी हुई हैं, बुक्स कहीं रखी हुई हैं, और उसमें कहा था बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस बतानी थी। तुम लोगों में आया होगा ये, है ना। हाँ भाई, क्या था ये, क्या था ये, हाँ तुम्हें लिखा होगा, नंबर मिले होंगे, क्या 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 लिखे, नंबर मिले कहीं, उन्हें तो दिया ही नहीं होगा अभी तक, तो बहुत लोगों ने टेस्ट ही नहीं दिए होंगे। और तुम तो बेटा आई थिंक पूरे ये सैंपल पेपर में तुम्हारी पहली क्लास है शायद, बहुत बढ़िया। ये बोल रही है सर ये कम है कि मैं आई है।
चलो भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थ्री बोलो आंसर। ट्रेड टेस्ट किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग स्किल पता करने के लिए, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए होता था? न्यू स्किल के लिए। नेक्स्ट ठीक है, उसने नीचे क्या बोला हुआ है, मेन पॉइंट कहाँ से मिल रहा है हमें? आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ, किस तरह के लोग चाहिए, ये कहाँ से मालूम चलता है हमें? वर्क लोड एनालिसिस। अब वर्क लोड क्या कहता है कि कितने लोग रिक्वायर्ड है, वर्क फोर्स क्या बोलता है कितने काम कर रहे हैं। तो उसने लास्ट में लाइन दी हुई है कितने मोर इंप्लॉइज, कितने लोग और चाहिए, तो कितने लोग और चाहिए ये हमें कहाँ से मिलता है? वर्क लोड से। कितने हैं वर्क फोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट सेवनटींथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सेवनटीन से पहले भी कोई है क्या? बोलो दो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एडवर्टीजमेंट। अच्छा, अब यहां पर एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ मेंशन तो है नहीं, तो पहला माना जाएगा कि पहले में एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दूसरे में कहता है क्या टेलीविजन, और तीसरे में बताता है वेब पब्लिकेशन। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या हो गया? न्यूज़पेपर मैगजीन्स के थ्रू। तो व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? बोलो बेटा, अच्छा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड क्यों नहीं है? जो स्किल्ड होते हैं वो ज्यादातर सुपरवाइजर बन जाते हैं। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए इस तरह से अपॉइंट होते हैं। एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट कितने नंबर का क्वेश्चन आए थे यहां पर? क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो रहा है इसका प्रमोशन? जैसे उसने स्मिथ रिक्रूटर्स लेकर आए, ये क्या बन गया हमारा? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना कि जहां भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर कि कंफ्यूजन हो रही है कि ये प्लेसमेंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, दोनों को जोड़ के लिख दो। क्या बोलते हैं इसको? कैजुअल कॉलर्स, अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशन, मतलब वो जो अभी तक अपॉइंट नहीं हो पाए हैं। तो हमें क्या मिला? प्रमोशन मिला, प्लेसमेंट एजेंसी मिली, और फिर उसने बोला था मेरिट ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स। तो हम बोल रहे हैं इसके लिए हमारे पास कौन से मेरिट आएंगे? मेरिट ऑफ, ठीक है, पहले प्रमोशन का मेरिट बता दिया, क्या इससे क्या मिलेगा? मोटिवेशन होगा, फिर मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट, ये फ्री कर दिया, मतलब कोई भी है, ऐसा नहीं है कि उसको उससे रिलेटेड कुछ यूज किया गया है।
चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं यूज़ किया है। कैजुअल कॉलर सबसे चीपर होता है क्योंकि इसमें पैसा खर्च नहीं होता है। प्रमोशन में इम्प्रूव मोटिवेशन मिलता है, हाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है। प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी के अंदर बोल रहा है ग्रेट और सबके अलग अलग मेंशन किए हुए अपने इसमें थे बुक में थे। फ्री हाँ वही कह रहा हूँ इकट्ठे दिए ना सारे तो जबरदस्ती हमने अलग किए मतलब यहाँ पर। अब ये प्रमोशन की मेरिट्स प्लेसमेंट एजेंसीज की मेरिट और कैजुअल कॉलर्स की मेरिट फ्रीट जैसे हो गया अपने मन से ही बना सकते हैं। तभी का पढ़ लो बेटा फटाफट प्रमोशन नेक्स्ट कितने नंबर का था इस बार डायरेक्ट बोलो आंसर बोलो बेटा एक्सटर्नल सोर्स का फायदा जिस तरह के लोग हमें चाहिए क्वालिफाइड और ट्रेंड स्किल्ड वैसे हम लेकर आएंगे वाइड चॉइस मिल जाती है। इंटरनल में कम लोगों की चॉइस थी कम लोगों में से चूज करना था यहाँ पर ज्यादा चॉइस मिल रही है। यहाँ बाहर से फ्रेश टैलेंट आएगा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट होगी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर कि कंपनी बाहर से लेकर आ रही है तो ऐसे में हमें और मेहनत करनी चाहिए। हाँ भाई बोलो तो लोअर लेवल के लिए होता है ये मास्टर वर्कर के अंडर में काम करते हैं जबकि इंटर्नशिप में नेक्स्ट फिर से ध्यान देना यहाँ तीन नंबर का है तो यहाँ पर डेढ़ डेढ़ नंबर से लिखने लिखने के हैं तो ऐसे में कम से कम हमें तीन पॉइंट कवर करने चाहिए। नेक्स्ट बोलो बेटा 18 हाँ भाई ये क्या बोल रहा है मैच्योर चाहिए इमोशंस लोग चाहिए इनका बिहेवियर अच्छा हो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट लेना पड़ेगा उनके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट कितने के नंबर का है इसमें भी 17 हम बात कर चुके हैं जहां भी मशीन की बात आएगी मशीन पे ट्रेनिंग होनी है वेजिटेबल ट्रेनिंग ही होनी है। तो हमने बोला क्या यहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कौन सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वेजिटेबल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ये क्या होती है ऑफ द जॉब ऑफ द जॉब। फिर इसके बेनिफिट्स
बोलो कितने नंबर का है ये क्वेश्चन? फोर मार्क्स का है। इसने बोला थ्री बेनिफिट्स बताने, तीन बेनिफिट्स के तीन नंबर हो गए, तो नॉर्मली दो लाइन लिखकर जो मेन पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं उसको अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट तो यहां पर इन्होंने रीजन बताया, यहां पर टारगेट दिया था वो नहीं पूरा हो पाया, क्यों नहीं हो पाया ये बता दिया। इसका मतलब ये कंट्रोलिंग की प्रोसेस दिखाई दे रही है हमें, है ना, कंट्रोलिंग की प्रोसेस दिखाई दे रही है हमें। आगे ये क्या हो रहा है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर हाँ भाई, तो हमने क्या बोला, दो चीजें मिल रही है इसके अंदर, हमें स्टाफिंग भी मिल रही है, कंट्रोलिंग भी मिल रही है। और उसने बोला क्या है सेकंड के अंदर, टू स्टेप्स स्टेट द टू एफर्ट्स, टू स्टेप कोई बता सकते हैं। तो स्टाफिंग के दो हो गए हमारे, कौन से, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर और रिक्रूटमेंट। ऐसे ही कंट्रोलिंग के भी आ गए हमारे, कोई भी दो लिखने हम लिख सकते हैं। और कोशिश कर लेना ऊपर से कोटेशन वोटेशन कोड वोट करने के लिए तो नहीं बोला था उसने, नहीं। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दिया हुआ फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दे रहा है, तो ऐसे में हमें क्लियर है कि एक से नहीं, वैसे तो फंक्शंस बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पर कहता आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो एक ही होता, फंक्शंस बोल रहा है तो दो तीन जैसे भी हो सकते हैं, इट मे बी निकल जाए। नेक्स्ट। अच्छा एक और चीज, जिसको इंग्लिश विंग्लिश ना लिखनी आती हो, थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो वो क्या करे, वो क्या नाम है, जो भी फंक्शन लिख रहा है उसके बाद या फिर जो पॉइंट मिल जाता है तो ऊपर से उठा के जो कोटिंग करते हैं ना, कोटिंग ही कर देना अगर नहीं आता है तो। एक में एक्सप्लेन कर दिया फिर उसी के नीचे कोट कर दिया, दोनों चीज कर दी। स्ट्रेटजी किस किस चीज की, ज्यादा दिखाने की, ज्यादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट कितना था इसके अंदर, नहीं नाइन्थ। अच्छा अभी कौन सा क्वेश्चन है, ये सब अभी तक जो भी पढ़ा वो सब उसका था, वैल्यूज को लेकर था। ये पहला पॉइंट तो हो गया, एस्टिमेशन हो गया। एस्टिमेशन के बाद क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट। अच्छा इसके अंदर कितने नंबर का था, तीन नंबर का था, और इसने बोला क्या है, स्टेट आइडेंटिफाई करना है और दो दो लाइन लिख देनी है उसके बारे में। नेक्स्ट बेटा 20। Name the concept and its source used by the firm to attract more workers for the firm.
जोसेफ ब्रदर्स वाज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प शेड्स इट यूजेस लेफ्ट ओवर जूट पीसेस फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिक एक मिनट जो पहले क्वेश्चन समझ में आया पहले क्वेश्चन में बोला था इसने आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो भी ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स कॉन्सेप्ट और सोर्स बताना है सोर्स मतलब रिक्रूटमेंट का शो कर रहा है कि रिक्रूटमेंट होगा रिक्रूटमेंट के अंदर कौन सा रिक्रूटमेंट का टाइप होगा बोलो मतलब जरूरत पड़ रही है लोगों की कौन सी कंट्रोलिंग हाँ तो हाँ भाई तो उसे क्या बोलते हैं इसको तो हमारा क्या है रिक्रूटमेंट के अंदर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो पहला फंक्शन क्या निकल कर आया हमारा इसमें स्टाफिंग और कंट्रोलिंग में मिला था क्या कौन सा पॉइंट ठीक है ऊपर था वो तो हाँ तो हमने क्या देखा यहाँ पर भी फंक्शंस पूछ रहा था तो एक से ज़्यादा फंक्शन हमें मिलने चाहिए थे और हमने फिर क्या बताया कि उसने क्या किया हाँ भाई मोर वर्कर्स लाने के लिए कंपनी में क्या किया उसने रिकमेंडेशन मांगी एम्प्लॉइज से नेक्स्ट हाँ भाई बेस्ट आदमी को सेलेक्ट करना है तो कौन करता है वो सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन से पहले क्या था रिक्रूटमेंट पे जो भी लोग आए 8 प्रोसेस में जाकर हमने बेस्ट लोगों को चूज किया नेक्स्ट ठीक है एक मिनट रुक जाओ पहले यहाँ पर 3 नंबर का है ये तो एक तो एक नंबर का तो उसमें क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन और फिर उसका समझाना है 2 नंबर का तो थोड़ा ज़्यादा हमें समझाना पड़ेगा अब इसमें एक और चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस को समझाने के तो वहाँ पर 8 पॉइंट होते हैं तो 8 पॉइंटों को मिलाकर मिक्सचर करके कुछ भी प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस बता सकते हो नेक्स्ट सो स्टफिंग मैं पूछ रहा कौन चैप्टर है अच्छा बोलो हाईटेक मशीन आती फिर से क्या होता है सोफिस्टिकेटेड मशीन पूरे ट्रेनिंग में सिर्फ मशीन मशीन के ऊपर एक ही ट्रेनिंग होती है वो कौन सी वेजिटेबल ट्रेनिंग इसके अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं है चलो कोई बात नहीं तुम्हें तो सब आता ही है तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ना तुमने उस क्वेश्चन में अरे सुनो सुनो तुमने एक क्वेश्चन जो पढ़ा होगा उसके अंदर पक्का कहीं ना कहीं हाईटेक मशीन दे दी होगी उसने मशीन जहाँ भी आ जाएगी वहाँ पर वेजिटेबल ट्रेनिंग हो जाएगी बस खत्म मैंने क्या बोला अगर वो क्वेश्चन में ये दे देगा कि हाईटेक मशीन है जिसको उसकी ट्रेनिंग देने के लिए कुछ भी कर रहे होंगे तो हाईटेक मशीन आती है वेजिटेबल ट्रेनिंग बन जाएगी तुम्हारी तुम्हारा सेम स्कूल है अलग अलग स्कूल है तो सेम स्कूल में बात नहीं कर सकते आगे बोलो तुम जो भी क्वेश्चन बता रहे हो ना वो एक बार लेके आना है ना दिखाना मुझे हाँ भाई तो हमने क्या बोला मशीन की बात हो रही है तो हमें वेजिटेबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वेजिटेबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ऐसे में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या पूछा सेकंड में क्या बोला उसने अच्छा किस तरह से हेल्प करेगी हाँ बेटा दिस विल हेल्प एम्प्लॉइज कैसे बोलो ठीक है नेक्स्ट अरे रुक जाओ पहले पढ़ने दो पहले भी हाँ बोलो
22 बोलो। अब यहाँ पर फिर देखने की बात है कि इसने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ये। हाँ भाई, तुमने पहले सुना होगा कि जब भी जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के नाम पर पूछ रहा है, और जैसे आंसर देख के मालूम चल रहा है क्या पूछ रहा है, फंक्शंस पूछ रहा है कॉन्सेप्ट के नाम पर। तो उसने बोला कौन सा कॉन्सेप्ट है एंड स्टेप स्टेट द स्टेप्स ऑफ द रिवैम्प्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये क्या आ गया सीधा कंट्रोलिंग की बात कर रहा है ना। तो ऊपर हमें क्वेश्चन बोलो पूरा एक बार। हाँ भाई, ट्रेनिंग देते ही क्या इससे बता दिया कि यहाँ पर क्या आ गई, स्टाफिंग आ गई। जैसे ही उसने बताया कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, वो रीजन ही बता दिया कंपटीशन की वजह से, तो क्या बन गया ये कंट्रोलिंग। हाँ, तो वो कह रहा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, तो पहले तो एनालाइज करना चाहिए डेविएशन को और करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। हाँ जी, तो इसको हम किस चैप्टर में डालें, मेन तो कंट्रोलिंग से है ये। नेक्स्ट, ये क्या था, सिक्स्थ था और एट्थ। हाँ भाई, अब हम आते हैं सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 या 15-16 का सैंपल पेपर बोलो। मतलब ट्रेनिंग लेकर आया है वो, तो चेक करो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से पहले उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, अब परफॉर्मेंस क्या है, क्या ट्रेनिंग का उसे कुछ फायदा मिला। ठीक है, हर बंदा जो इंप्लॉय किया जाता है वो कौन सा फंक्शन है, स्टाफिंग। नेक्स्ट, अभी तक हमें क्या दे रहा था, ये वैल्यूज के बारे में हिंट दे रहा था। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, कुछ मिला ही नहीं यार। अच्छा, याद दिया हुआ, सेलेक्टेड, सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ भाई, आफ्टर, हाँ ठीक है, तो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सिलेक्शन के बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और फिर इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये वैल्यू को हटा देंगे तो 3 नंबर का है, तो नो डाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमें मेथड्स नहीं बताने हैं, खाली हमें ट्रेनिंग के बारे में एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये जरूर है कि एक्सप्लेनेशन में उन नामों को यूज़ कर सकते हो, एक आध नाम को थोड़ा बहुत हिंट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, कितने नंबर का क्वेश्चन था इसके अंदर, 7 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर, बोलो। हाँ भाई, ये रिपीट है ये। नेक्स्ट, लेकिन इसे पहले देख लेते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। To
हाँ भाई, फेज के तीनों के क्या, पहले तो प्रमोशन के मेरिट्स हो गए। अरे हम ये देख रहे हैं बच्चे ने क्या लिखा है। अच्छा एक ही एक पॉइंट मांगे इन्होंने, ज्यादा पॉइंट तो मांगे नहीं है, तीनों के एक एक पॉइंट दे दिए इन्होंने, एक एक दो दो जो भी तुम दे पाओ। नेक्स्ट इसमें नहीं, और इसमें कितने नंबर के थे? हाँ क्वेश्चन नंबर कितने नंबर के थे क्वेश्चन इसके अंदर? 4 marks बोलो। हाँ भाई 4 duties है, डायरेक्ट है क्वेश्चन, कोई भी 4 duties बता सकते हैं। और मैंने बोला हुआ है स्टाफिंग की बताने की बजाय कोशिश करो HR की डायरेक्ट बता सके। बाकी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो सिंपल रिक्रूटमेंट जॉब एनालाइज करो, दिस करो दिस करो, और जो 4 complex है उसे हटा दो। तो ये क्लियर कर रहा है कि इम्प्लॉयज सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नहीं किया, प्रॉपर ना प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर नहीं किया। क्या चीज तो इसने क्या मांगा है? तो प्रोसेस के अंदर ही तो पहला स्टेप आता है ये, तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर इसने किया नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट 2 steps रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 न्यू स्किल के लिए होता है, बच्चे ने क्या लिखा है बोल दो। अबे रुक जाओ यार, नेक्स्ट अवेलेबल बोल रहा है वर्क फोर्स, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें पूरा पढ़ना है बोलो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज हुआ तभी मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन को हमने पढ़ते यहाँ पर मालूम चल गया उसने बोला कितने। हाँ भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसने क्या बोला नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल अवेलेबल, कितने अवेलेबल हैं उसे क्या बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिफ्थ कंट्रोलिंग, नेक्स्ट पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हो गया ये, कैजुअल कॉलर्स और लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें लेबर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, तो अब हमें ढंग से ये बताना पड़ेगा कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक से ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि एक भाग जाए तो दूसरा हमें ज्यादा परेशान। नेक्स्ट पेज नंबर क्वेश्चन नंबर ये कंपार्टमेंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। हाँ भाई पहला इट लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होंगे क्योंकि काम हम कर रहे थे और प्रमोशन के लिए किसी और को लेकर आ गए। पॉइंट नंबर 2
एक लेंथी प्रोसेस है एक्सटर्नल, पूरे हमें सिलेक्शन की और सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि एक्सटर्नल पे जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट या जो भी हम तरीका इस्तेमाल करेंगे उस पर पैसा खर्च हो सकता है। तीन नंबर का ये था, एनी थ्री उसने बोला हुआ था। नेक्स्ट फेस्टिवल ट्रेनिंग ऐसे इंटर्नशिप बता देंगे। नेक्स्ट Mr. Raman is a human resource manager of Shanti Hospital in Nellore. He has to appoint nurses for training. नहीं आगे तो बढ़ो। He has to appoint nurses for the hospital. For this he has conducted preliminary interview. हाँ भाई, अब देखो इसने क्या बोली है। इसने इंटरव्यू की बात कर रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस में से पहला पॉइंट आ गया। Since patients in the hospital are of different types, he has also conducted tests to find out the candidates. प्रीलिमिनरी हो गया है ना, टेस्ट हो चुका है। टेस्ट के बाद क्या होता है, इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर मेडिकल और फिर तो बोला कितना है इसने, सिर्फ इसने बोला है रिमेनिंग स्टेप सारे बताने पड़ेंगे है ना, यानी सारे बताने पड़ेंगे और जॉब ऑफर के एक्सेप्टेंस तक के। ये भी आ गया यहाँ पे, कंबाइंड कर दिया इन्होंने जॉब ऑफर एंड। नेक्स्ट ट्वेंटी सेवनटीन एटीन लास्ट ईयर सैंपल पेपर आया था। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर बोलो। नहीं है हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। ऐसे तो वहीं से ऑर्गेनाइजिंग से आ रहा है निकल के ये कि फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप बने हुए हैं, तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आप उनको गाइड करो। लेकिन बोला है तो रीड किया है तो बोल दो बेटा। हाँ भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में जो भी क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, उनको पार्टिसिपेशन उनका करवा सके है ना, पार्टिसिपेशन करवा सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट, इस चैप्टर को किस में कवर करोगे लेकिन इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9th में ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात कर रहा है तो उनका बेनिफिट हम जैसे ले सके वो हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या, अच्छा मतलब अब जो स्टेप पहले ढूंढो और उससे पहले के कौन से स्टेप है वो बताने हैं। बोलो हाँ भाई, तो उसने बोला है कि वो किसकी बात कर रहा है। वो पहला तो चैप्टर क्या है ये, स्टाफिंग, फिर उसने बोला टू स्टेप्स कौन से, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन सा पॉइंट बोल रहा है, कौन सी लाइन, देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस
अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड जो भी पहले स्टैंडर्ड थे उसके बाद उसको इवेल्यूएट कर लेंगे। हाँ पे इसके अब क्या बोला उसने, इससे पहले के दो या सारे दो ही बोले उसने, तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कोई भी दो चलेंगे। हाँ भाई उसने बोला है स्टेट एनी टू, कोई भी दो स्टेप चल जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आप ठीक है, तो इसके बीच के पॉइंट बता देंगे। इंटरव्यू के बाद क्या, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर सिलेक्शन का डिसीजन, मेडिकल और फिर जॉब ऑफर से पहले बोल रहा है, तो जॉब ऑफर के बाद क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है ना। तो तीन पॉइंट हमें मिल गए, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तीन नंबर का है आइडेंटिफाई करने का आधा नंबर, और आधा नंबर इसके एक्सप्लेनेशन का होगा। कौन सा बेटा, नेक्स्ट पे है सेम। बेनिफिट मतलब इंपॉर्टेंस हो गया उसका, बोलो। हाँ भाई, तो किस चीज से इंप्रूवमेंट होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो पहला था नेम द स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द कंपनी, जो डिसाइड कर रही है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू कंपनी ये कर पाएगी। और दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स, मतलब इसके इंपॉर्टेंस बोल दो बेटा, कौन कौन से। वेस्टेज कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एम्प्लॉयज की, फ्यूचर के मैनेजर क्रिएट होते हैं क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉय छोड़कर कम जाते हैं कंपनी को, एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। नेक्स्ट भाई, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऐसे में एम्प्लॉयज को भी चेंज होना चाहिए। ये अभी बोर्ड में आया था, आई थिंक नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसमें कोई टफ तो रहा नहीं। 17th भाई, ये थ्री बेनिफिट्स हैं तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ही हो गए, क्योंकि ट्रेनिंग एंड बेनिफिट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंटरेस्ट वो इंपॉर्टेंस दी है, किसी स्पेसिफिक की तो दी नहीं है। बोलो, जैसे ही उन्होंने बताया कि उसके पिताजी इलेक्ट्रिशियन है तो एक चीज तो क्लियर हो गया, लोअर लेवल के हो गए। आगे हाँ भाई, तो क्या वर्कर है, तो वर्कर के लिए क्या चाहिए होता है, हमें अप्रेंटिसशिप चाहिए होती है, और वो अप्रेंटिसशिप के हमें बेनिफिट नहीं बताने, किसके बताने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, जो अभी अभी पढ़े थे हमने। नेक्स्ट हाँ भाई, हमें बताना क्या है, उसने डिसीजन क्यों लिए, ठीक है बोलो। Was less qualified than Salim, and Spar decided that in future he will
हाँ भाई, उसने तो बोला है कि वो क्या इंटरनल सोर्स यूज कर रहा है, तो इंटरनल सोर्स के मेरिट जो भी होंगे वो हम इसमें समझा देंगे। बोल दो बेटा एक बार। पहला तो रिलायबल ज्यादा है, पॉइंट नंबर टू ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, मोटिवेशन मिलता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, ठीक है वो तो नॉर्मल पॉइंट हो गया कि प्रमोशंस उनको देते हैं तो वैसे मोटिवेशन में आ गया। आगे सिंपलीफाई द, अच्छा इसके अंदर ही ठीक है प्रोसेस, वो वहां पर लेंथी प्रोसेस है, यहां पर क्या होगा प्रोसेस सिंपल हो जाएगी। सरप्लस स्टाफ जो है वो ओवर स्टाफिंग से अंडर स्टाफिंग वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकता है, एंड एक चीपर सोर्स है ये। नेक्स्ट, बस क्यों अभी तो एक और होगा। इस साल का 2019 इस साल का सैंपल पेपर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहा है, नेम द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट इज यूज्ड टू गिव ट्रेनिंग टू प्लंबर्स। अभी भी पढ़कर आए क्या अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट, कौन सा बेटा, अब यहां पर बात आती है कि ये जो प्रोसेस है ये स्टाफिंग की है, सिलेक्शन की है, किसकी है, तो उसके लिए क्वेश्चन हमें पढ़ के पहले फील लेके आना पड़ेगा। बोलो, बोलो, अरे यार तुम तीनों गोद में को नहीं बैठाते एक दूसरे की, अननेसेसरी बातें कर, यार जब से आए तब से बात तुम उन दोनों की बात ज्यादा कर रहा हूं, दोनों लगे हुए तब से यार। और इसको थोड़ा तुम साइड कर दो यार, ये कब से लगा हुआ यार, ये तुम नहीं, तुम भी नहीं है, कितने हैरान हो रहे हैं। मैं नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं हूं कुछ भी, और एक वो दोनों डिस्कस, वो दोनों कॉन्टिन्यूसली दूसरा पूरा, कौन सा क्वेश्चन है, है ये नहीं कि साथ साथ कॉन्सेंट्रेट कर ले, उससे पूछ रहे पड़ोसी से, ऐसे ये पड़ोसी पूछने में लगा हुआ है, क्या पता नहीं मानेगा कोई भी नहीं। चलो बोलो, हाँ भाई वो कह रहा है प्रोसेस किस चीज़ की, सिलेक्शन की प्रोसेस लेकर आनी है, और उसने बोला क्या 6 स्टेप बताने, पहला तो क्या हो गया प्रीलिमिनरी, फिर टेस्ट हो जाएगा, अब 6 नंबर का है टेस्ट को ज़्यादा गहराई में नहीं बताना, लेकिन हाँ सिर्फ नाम बताते हुए हम काम कर सकते हैं पेज भरने के लिए। इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन का डिसीजन, मेडिकल, क्या क्या बच गया, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट था और भी है। इस पेपर में कितने नंबर का आया ये, तो अप्रोक्स आई थिंक 6 to 10, उधर ही आ रहा हूं मैं, उधर ही हो गया पूरा, 6 से लेके 10 नंबर, 4 बिटवीन 4 to 10 नंबर का ये चैप्टर है। और एक और चीज इस चैप्टर में अच्छी थी, कोई भी कॉम्प्लेक्स तो था ही नहीं, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा अभी तक जितने भी चैप्टर हमने देखे हैं, अरे अभी तक जितने भी, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, वो पीछे ली गलती है, तुम्हारी बात सुन क्यों रहा है, हाँ अभी तक जितने भी चैप्टर हमने किए हैं सबसे ज्यादा टफ अगर कुछ था तो वो एक ही था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है बाकी सब तो थोड़े इजी है, डायरेक्टिंग भी इजी था, ये भी इजी है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।